Amit, please mute yourself. One more point for the note, on mixing of two or more gases, mole conservation is used for the calculation. Mixing of gases heading A. Second point is mein tumhe ye likhna hai. Two or more connecting vessel will always have equal pressure at the end of change. जब भी हम दो या उससे ज्यादा वेसल को कनेक्ट करेंगे, देखो हमने दो तीन चार वेसल को कनेक्ट किया है, द नेट मूवमेंट ऑफ गैसेस विल बी देयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. वहां पे नेट मूवमेंट गैसेस का एक वेसल से दूसरे वेसल में होगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस रहा होगा. If the pressure difference is not there, then definitely the net movement is not there. Movement अभी भी होगा, दोनों same pressure पे. हम जिस room में हैं, room के बाहर जो window है, atmosphere same pressure है 180 atm 180 atm. तुम window open करोगे, कुछ एक gases अंदर आएंगी, कुछ gases बाहर आएंगी. ये अभी भी होगा, but the net movement will not be there. Net movement तब तक होता है जब तक कि pressure difference है. जहाँ पे pressure difference zero हो गया, वहाँ पे net movement नहीं होगा, पर दोनों तरफ का movement same हो जाएगा, right? तो हम मूवमेंट करवाते हैं इसमें ताकि हर गैस का प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर सेम हो जाए. फॉर मोर कनेक्टिंग वेसल विल ऑलवेज हैव इक्वल प्रेशर एट द एंड ऑफ द चेंज. प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर बोथ, यदि एक से ज्यादा गैसेस हैं तो सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर भी कनेक्टिंग वेसल में हमेशा सेम है. डजंट मैटर उनका वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सेम है, अलग है क्या है. अब कैलकुलेशन क्या कैसे होगा इस एग्जाम्पल में. Initial moles in the first vessel plus initial moles in the second vessel. N1 dash plus N2 dash. These are the final moles. These are the initial moles. So gases ke moles to bahar ja nahi rahe system se, bas ek system se dusre system mein aa rahe. So moles over here plus here at the start is equal to at the end here plus here. Dono hum aisa kuch kar denge. N1 ko likhenge P1 V1 upon RT1, P2 V2 upon RT2. Final pressure same होगा, ऐसे मैं लिख देता हूं PF कर देता हूं. चलो volume change नहीं होगा. RT1 हमने ये assume क्या है, इसको 27 और इसको 127 पे maintain किया हुआ है. Clear? With the help of some external force, they are maintained at this temperature. ये change नहीं होगा. P final volume to RT2. तो n को लिखा है PE by RT, final initial. क्लियर? R कैंसिल हो गया हर जगह. P final हमें कैलकुलेट करना है. P final को सेपरेट कर लेते हैं हम. P1, V1
अपॉन टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन टी टू, पी फाइनल को सेपरेट कर लोगे क्लियर, तो यहाँ पे बचेगा वी वन बाई टी वन प्लस वी टू बाई टी टू, एलसीएम लोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे, ये वी वन बाई टी वन प्लस वी टू बाई टी टू, चलो उसको सॉल्व भी कर लेना वैल्यू पुट करके कुछ क्लियर, जब तुम एलसीएम लोगे तो ये आएगा T1 into T2 upon V1 T2 plus V2 T1, इसको LCM लेके सॉल्व करोगे फाइनल प्रेशर, तुम्हारे पास P1 है V1 है T1 है, यू हैव एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला, यदि टेम्परेचर सेम दे रखा है बाय चांस तो T1 T2 T सब कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन काफी इजी सा हो जाएगा उसके, इज दैट ओके? सर आपने क्या क्या लिखा है अभी तक, तो लिखा तो वही है जितना बोर्ड पर है, मतलब इसको रब नहीं किया अब तक, यूनिट्स मैंने कहीं नहीं लिखे हैं, यूनिट्स वी नीड टू टेक सिमिलर यूनिट, देखो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का जो भी यूनिट यूज करोगे वही यूनिट यहाँ पे यूज करना है, सेम यूनिट ऑफ वॉल्यूम ताकि वो यूनिट कैंसिल हो जाए, प्रेशर का तुम एटीएम लोगे तो एटीएम में आंसर आएगा, पास्कल लोगे तो पास्कल में आंसर आएगा, जिस भी यूनिट में लेना चाहो क्लियर, सर एक मिनट, चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बुकलेट से देखते हैं, C2 पार्ट टू एक्सरसाइज वन पार्ट टू C2 पेज नंबर 31 पे है, C2 क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 31 C2 पार्ट टू का क्वेश्चन है एक्सरसाइज वन का, प्रशांत कौन सा सेकंड पॉइंट रिपीट करना है, क्या लिखा था सर, ये वाला टू और मोर कनेक्टिंग वेसल्स विल ऑलवेज, वो वाला टू और मोर कनेक्टिंग वेसल विल ऑलवेज हैव सेम प्रेशर एट द एंड ऑफ चेंज, मान लो दो वेसल है, एक है 3 एटीएम पर दूसरा है 2.5 एटीएम पर, दोनों को कनेक्ट किया तो गैस का मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि दोनों में प्रेशर सेम नहीं हो जाता, जहां पे दोनों में प्रेशर सेम हो गया अब उसके बाद उसमें जो प्रेशर मतलब नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, सर वो एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना, कौन सा करना है, बोर्ड पे लिखा है देखो ना, इसलिए मैंने लिख दिया,
ये थर्ड इक्वल्स टू क्या है? क्या इक्वल्स टू? अच्छा ये पी टू वी टू अपॉन आर टी टू है ना, उसके आगे क्या लिखा है पी के बाद? ये वाला पार्ट उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला। हाँ वही पी फाइनल वी वन अपॉन आर टी वन, पी फाइनल वी टू अपॉन आर टी टू, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम बाय आर टी, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम बाय आर टी, रो आर को कैंसिल लिया किया था कॉमन ले। हमने यूज किया है n1 plus n2 equal to n1 dash plus n2 dash, initial moles equal to final moles, initial pressure volume upon RT, final pressure volume by RT. पहले का volume 100, दूसरे का 150. One more information is given in the question. Yeah? यहाँ पे information दे रखा है, TA is 20 times of PV initially. चलो इसको 20 times of PV लिख देते हैं. So 20 times of PV into ये RT cancel कर दो पहले तो. ये 100 है तो काम करते हैं 50 से डिवाइड कर देते हैं 2, 3, 2, 3, तो हमारे पास बचा PA को लिखा 20, 40 आ जाएगा ये 40 PB plus 3 PB equal to 2 PF plus 3 PF 5 PF हो गया वो 43 PB upon 5, ये आ गया हमारा फाइनल प्रेशर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेशर इन ए विल
ड्रॉप बाय परसेंटेज, कितना प्रेशर ए का ड्रॉप होगा. तो चेंज इन प्रेशर 20 पीबी, दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए माइनस फाइनल प्रेशर ऑफ ए, 43 पीबी अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर ऑफ ए 20 पीबी इनटू 100. दिस इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर ऑफ ए. ए का प्रेशर कितना था माइनस फाइनली कितना है, इनिशियल माइनस फाइनल चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 परसेंटेज चेंज. चलो पीबी कैंसिल हुआ क्लियर, तो 5 यहां पे लेके आ जाओ, 100 माइनस 43 कितना होगा, 100 माइनस 43 इज 57, 5 नीचे आ गया, 5 इंटू 20 100, ये 100 कैंसिल, 57% आ रहा है. ए कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन. सर करो, टेक योर टाइम, समझो फिर कुछ डाउट है तो क्लियर करो. कंजर्वेशन ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश. फिर चेंज हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100. डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, कट तो नहीं हो रही है? प्रॉपर है सर. रितेश अभी आ रही है वॉइस प्रॉपर? परसेंटेज चेंज इज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज. ये हमें बताना है, मतलब जितना चेंज हुआ है अपॉन इनिशियल. मान लो इनिशियल 50 था, फाइनली 60 हो गया, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% का. 50 से 60 में 10 यूनिट का चेंज है, 50 का 10 20% है. तो 60 माइनस 50 10 अपॉन 50 इनटू 100 20%. Is that okay? P final दोनों का सेम ही होगा क्या? क्या नोट में प्रीति हमने क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट ऑफ नोट पढ़ो एक बार. सर एक मिनट प्रीति पढ़ो सेकंड पॉइंट, जल्दी से सुनाओ सबको पढ़ के, सेकंड पॉइंट ऑफ द नोट. यस सर आ गया समझ में. Two or more connected vessels will always have a equal pressure at the end of change. Is that okay now? क्यों ये same लिखा है? Yes sir. Sir. हाँ बोलो. Sir उन्होंने ऐसा दिया नहीं है ना question में कि temperature उनके same है sir दोनों vessels में. पढ़ो ना क्या दिया है temperature के बारे में. सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा ना सर, पर आपने पी इनिशियल माइनस पी फाइनल किया है ना ऊपर न्यूमेरेटर में. हाँ देखो दिस इज द परसेंटेज चेंज. अब तुम बोला गया परसेंटेज ड्रॉप, तो क्या करोगे? पी इनिशियल माइनस पी फाइनल कर देंगे. बस वही किया है मैंने, ऑप्शन में परसेंटेज ड्रॉप दे रखा है राइट. Temperature same दे रखा है. At particular temperature, the pressure of gas found to be this 20 times, and stop walk is open without changing the temperature. Clearly mentioned है ना? Sir ने मुझे लगा कि एक का temperature दिया है, समझ गया. मतलब दोनों का ही कुछ नहीं दिया ना temperature. Nothing is given about temperature. At particular temperature ऐसा word use कर लिया, मतलब same है. चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं हम. ये एक और क्वेश्चन करना है इसका. नेक्स्ट हेडिंग ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. Thank you.
बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, छोटा सा डिफरेंस है, पहले वो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में. सो वर्ड क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग. नेक्स्ट में इट इज द क्या है, स्कैपिंग, ESCAP, स्कैपिंग ऑफ, मैं पढ़ता हूं दोनों, डिफ्यूजन. इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल अंडर द, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, अंडर द सिमिलर प्रेशर लिखना था, जो मैंने लिख दिया प्रेशर डिफरेंस. देर इज सम करेक्शन इन फर्स्ट डेफिनेशन, अंडर द सिमिलर प्रेशर चेंज करना ना फर्स्ट को. इट इज द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू अ टाइनी होल अंडर द प्रेशर डिफरेंस. तो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन दोनों ही गैस से रिलेटेड है. जिस रूम में हम हैं, इफ यू ओपन द विंडो, वी हैव द सेम प्रेशर, वन एटमोसफेयर, आउटसाइड प्रेशर इज सेम, वन एटमोसफेयर, स्टिल सम गैसेस विल मिक्स विद ईच अदर. बाहर से गैसेस अंदर जाएंगी, अंदर से बाहर जाएंगी, इसे बोला जाएगा डिफ्यूजन. Diffusion is the escaping of gas molecule under the pressure difference. Example, when we make a hole in a balloon, balloon में से जो छोटे से hole से gas leak होगी with the sound, it is called effusion. LPG cylinder से जो gas leak होगी, it is effusion under the pressure difference. Is that okay? Mathematical relation for both of them, diffusion and effusion is same. हम उन्हें mathematically कहीं differentiate नहीं करेंगे. बट एक बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन पता होना चाहिए, कहीं कंफ्यूज मत होना. रेट ऑफ डिफ्यूजन बोला है, रेट ऑफ इफ्यूजन बोला है, या क्या हो रहा, हो सकता है इफ्यूजन हो रहा हो तो मैं डिफ्यूजन बोल दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही है अभी के लिए ना, इसके बाद हमारे लिए दोनों वर्ड. इज दैट ओके हितेश, ऋषिकेश, ईशान? यस सर. चलो अब हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन. कॉपी कर लिया सभी ने डेफिनेशन? यस सर. यस सर. रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, एनी वन ऑफ देम, मतलब दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना. हमारे पास कुछ डिफरेंट वेज हैं इनको डिफाइन करने के लिए. सबसे पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड
पर यूनिट टाइम। मान लो एक एलपीजी सिलेंडर से कुछ गैस लीक हो रही है, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस आर डिफ्यूजिंग और डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द सिस्टम इन वन सेकंड, इन वन मिनट, वन और व्हाट एवर यूनिट वी आर टेकिंग। क्लियर? So the first way to define rate of diffusion, more the moles of gases are diffusing going out of the system, greater will be rate of diffusion. So number of moles upon time taken. Second definition, decrease in pressure upon time taken. Decrease in volume upon time taken, distance traveled upon time taken, decrease in pressure minus delta P by T minus delta V by T D by T. Dekho, we can also define rate of diffusion with respect to pressure difference. एलपीजी सिलेंडर से जैसे जैसे गैस लीक बाहर होंगी, प्रेशर कम होता जाएगा, इन वन यूनिट टाइम द डिक्रीज इन प्रेशर। बैलून से गैस जैसे जैसे लीक होंगी, उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। और हम डिस्टेंस की बात करें, इफ वी टेक अ नैरो ट्यूब, लेट से एक दो डिफरेंट गैसेस ए एंड बी डिफ्यूज हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट, किसी भी गिवन टाइम में ए पहुंचता है यहां तक और बी पहुंचता है यहां तक, क्या लगता है किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ए का या बी का? सर्वेश, किसका ज्यादा होगा? सर्वेश, समीक्षा, बी का। ग्रेटर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, क्लियर? यहाँ पे माइनस साइन इससे लगाया है, डेल्टा पी डिफाइन होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। और ये डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हैं, जहां भी हम डिक्रीज ड्रॉप यूज कर लेते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करना होता है फिर हम, इसलिए माइनस साइन आया है ना, क्योंकि ये है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी डेल्टा वी खुद नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। विनीत, यज्ञेश, तोहित, इज दैट ओके? यस सर। हो गया, ठीक है सर, एक मिनट। पीयूष, प्रणव, प्रशांत, स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली और नॉट? यस सर। अच्छा, शाम यू कैन री एंटर इन द मीटिंग रूम, शायद तुम्हारे इनसे कुछ इश्यू होगा। ओके सर। सर रुको एक मिनट,
चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कॉपी करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अभी तक तो हमने डेफिनेशन देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का। नाउ ग्राम सजेस्टेड सम रिलेशंस हाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन प्रेशर इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वेसल, जो वेसल से डिफ्यूज या इफ्यूज हो रही है उनका वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है, उनका मोलर मास कितना है, उस पर डिपेंडेंसी शो की है। So the rate of diffusion effusion is proportional to 1 by root molar mass, सबसे ज्यादा यूजफुल रिलेशन है क्योंकि ये वैल्यू जनरली सेम होती है, and proportional to P partial pressure upon under root of temperature. So rate is proportional to P upon under root MT. ऐसा कुछ रिलेशन आ जाएगा, K is proportionality constant. At constant temperature, rate of diffusion of A upon B. Temperature constant रखा, rate of diffusion for A and B किया, K cancel, T cancel. PA by PB, under root MB by M आ गया। Partial pressure को लिखा है mole fraction into total pressure, तो mole fraction का ratio total pressure फिर cancel हो गया। Mole fraction को लिखा है moles upon total moles, तो moles of A upon moles of B, basically partial pressure का ratio मतलब mole का ratio। Moles को यहाँ पर फिर हमने लिखा है weight upon molar mass लिखते हैं। इसको हमने replace किया Na upon NB को weight of A upon weight of B और मोलर मास का इनवर्स रेशियो। तो MB अपॉन MA पावर हाफ ऑलरेडी था, पावर वन आ गया, पावर में 3 / 2 चला गया। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द पार्शियल प्रेशर और इट इज गिवन PA इक्वल टू PB, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और ये यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा ये यूज आता है अंडर रूट MB / M। इसकी इंफॉर्मेशन जनरली कम होती है तो यूज करना है, नहीं तो फिर ये वाला यूज करना। इज दैट ओके? तो ग्राम्स ने मैथमेटिकल रिलेशन सजेस्ट किया था और ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया था। दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड लॉ। जनरली जो चीजें एक्सपेरिमेंटली डिराइव होती हैं वी डोंट हैव प्रूफ फॉर देम। सर वो एक्स से एक्स बी कैसे आया वो बताओ ना एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
is equal to mole fraction of A into total pressure. Okay, sir, sir. Partial pressure of B, mole fraction of B into total pressure. समझिए सर. Total pressure. इसका मतलब जितना हैवी मॉलिक्यूल उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होना भी चाहिए. हैवी मॉलिक्यूल विल हैव लेस टेंडेंसी फॉर द डिफ्यूजन, लेस टेंडेंसी फॉर द मोमेंट. कॉपी कर लिया है? यस सर. यस. सो बेसिकली फोर डेफिनेशन एंड दिस वेरियस फॉर्मूले, हमें चार डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन यूज करना होगा और इन फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना होगा. चार डेफिनेशन कौन कौन सी हैं? Rate of diffusion for A upon rate of diffusion for B equal to moles diffused upon time taken for A, moles diffused upon time taken for B, change in pressure for A upon time taken for A, change in pressure for B क्लियर. ध्यान रखना ये जो मोल्स हैं, दिस आर द मोल्स डिफ्यूज्ड इन डेफिनेशन. दिस आर द मोल डिफ्यूज्ड एंड हियर दिस आर द मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम. समझना दोनों में डिफरेंस. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रेजेंट इन द सिस्टम. वो जो भी गैसेस हैं भी प्रेजेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? तो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट वाले मोल्स हैं और ये डिफाइन किया गया है मोल्स डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सिस्टम. तो ये दोनों मोल्स सेम नहीं है, अलग अलग हैं. दिस आर द मोल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, दिस आर द मोल्स विच डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द सिस्टम. लिख लेना चाहो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. Example 1, find the ratio of rate of diffusion of CH4O2 and SO2. बस इतना क्वेश्चन है. Rate of diffusion for CH4O2, SO2. So, pressure is not given.
सेम एज्यूम कर लो, टेम्परेचर इज नॉट गिवन, सेम एज्यूम कर लो, मोलार मास इज डिफरेंट, वन अपॉन मोलार मास ऑफ सी एच फोर इज टू वन अपॉन मोलार मास ऑफ ओ टू इज टू वन अपॉन मोलार मास ऑफ एसओ टू, वन बाय रूट 16, वन बाय रूट 32, वन बाय रूट 64. चलो एक काम करो, रूट 64 का मल्टीप्लाई कर देते हैं मैथमेटिकली इजी बनाने के लिए इस रेशो को. रूट 64 बाय 16 रूट 4 2, रूट 64 बाय 32 रूट 2 इज टू 1, फाइनल आंसर. इज दैट ओके? इफ नथिंग इज गिवन अबाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर, सिर्फ मोलार मास वाला लेना है. क्या एग्जाम्पल वन क्लियर है सभी को? सर एग्जाम्पल मत रखो. फर्स्ट कॉपी करो देन सेकंड ट्राई करो. H2 के 5 ml डिफ्यूज हुआ इन 10 सेकंड, देन हाउ मेनी ml ऑफ O2 डिफ्यूज इन द 5 सेकंड?
If you get the answer, you can type in chat box. दो बच्चों का आंसर आया है, प्रणव का एंड सर्वेश का, 2.5 ml. आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, देखते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर H2. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन हम ये वाला यूज करेंगे, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड फॉर O2, ये कैलकुलेट करना है. टाइम टेकन 5 सेकंड. वॉल्यूम डिफ्यूज्ड फॉर H2 5 ml. टाइम टेकन 10 सेकंड. तो रेट का डेफिनेशन यूज किया है वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. क्लियर? 5/8. तो ये आया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज्ड इन 5 सेकंड. ये इसका डिफ्यूज हुआ था 5 ml in 10 सेकंड. अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलार मास ऑफ H2 अपॉन मोलार मास ऑफ O2. तो एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला. सो ये आ गया 1/2, राइट? ये आ गया 2.5, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 2.5 इक्वल टू मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मोलार मास ऑफ O2 32, अंडर रूट में लिया 1/16, 4, volume of O2 आएगा 2.5/4, 5/2, 5/8 ml. 0.6 ml आना चाहिए, if my calculation is correct. Sir, 0.6 something आता है. Something नहीं. नहीं नहीं, रुक जाओ. 0.624. ये आएगा 50/8, 8 6 48, यस 0.6 समथिंग आएगा, 5/8 ml बेसिकली. 0.625. चलो क्लियर है जिसका आंसर कुछ और आया था, समझ में आया क्या गलती की थी तुमने? प्रणव, सर्वेश, अंश, हर्षवर्धन? यस सर. एक दो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम डिफ्यूजन पे बेस्ड. ओपन योर बुकलेट पेज नंबर 27, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1. D1 करना है तुम्हें, D1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, D1 पेज नंबर 27.
हो गया सर. अच्छा क्वेश्चन है. देखो रेट ऑफ डिविजन फॉर ए अपॉन बी अंडर रूट एम बी बाय एम ए एन ए बाय एन बी. यहां पे हमें मास जो प्रेजेंट है उसका रेशियो दे रखा है, मतलब मोल्स का रेशियो दे रखा है इनडायरेक्टली. इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी MB by MA, तो MB upon MA के पावर में चला जाएगा पावर 3 by 2, जो ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखा भी था हमने. 1/4 equal to weight of A upon weight of B is given 2:3. यहां से MB upon MA निकालो सबसे पहले, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 upon 8 पावर में 2/3 कर दो, 3 by 2 की जगह MB upon MA आ जाएगा. कितना आ रहा है 3 का पावर 2/3 दे रखा है कि शायद क्वेश्चन में 9, हाँ एक ही बात है 3 to the power 2, 9 पावर 1/3 इज गिवन द क्वेश्चन 2.08. इसका वैल्यू तो हमें दिया है 2.08. 8 का क्यूब रूट होता है 2, 2 के पावर में 2 ये आ रहा है 4. सो MB अपॉन MA वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का रेशियो एक्स ए अपॉन एक्स बी विच कैन बी रिटन एज एन ए अपॉन एन टोटल एन बी अपॉन एन टोटल. तो ये तो कैंसल हो गया. बेसिकली इट इज एन ए अपॉन एन बी वेट ऑफ ए अपॉन मोलार वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन मोलार वेट ऑफ बी. ये हमें कैलकुलेट करना है. क्या डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी हमें पास ऑलरेडी है? यस, 2:3 गिवन इन द क्वेश्चन दिस रेशियो. क्या एम बी अपॉन एम ए यहां से आ गया है? यस, ये हमारा आ रहा है 2.08 अपॉन 4. सॉल्व कर लो 2, सो 2.08/6. चेक कर लो आंसर मैच करेगा. टेक योर टाइम, समझो कुछ डाउट हो उसके बाद पूछो. पहले पहले खुद से देखो एक बार कि क्या किया है. Is that okay? Yes, sir. मैं अटेंडेंस लूंगा लेक्चर के लास्ट में, ध्यान रखना ना, जाना नहीं है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG.
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, हाउ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर बिहेविंग, उनके बारे में हमें बताएगा. प्रिया कुछ 7-8 पोस्टुलेट्स हैं, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, वो तुम्हें कॉपी करने में एक्सप्लेन भी करते चले जाऊंगा सर. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. देखो. First point, a gas considered of tiny spherical particle called molecules of gases which are identical in their shape and size. मतलब यदि हमारे पास एक सैंपल है गैसेस का, तो उस गैसेस के सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही गैस है, लेट्स से नाइट्रोजन है, तो सारे मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं, देन दे ऑल हैव सेम साइज शेप एंड मास, दे आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक अजम्पशन लिया गया है जो सही भी है. द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. सी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वेसल. एक काम करो, तुम जल्दी से कॉपी करो पूरा, फिर मैं इसे बोर्ड पे मतलब थोड़ा सा कुछ कंटेनर हो गए लेके एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम. यू नीड टू कॉपी ऑल 8 पॉइंट्स टिल लास्ट.
क्या कॉपी कर लिया है? प्रशांत, प्रेम? नो सर। लिख लिया सर। यस हो गया। देखो इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट कुछ था, अ गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो बेसिकली ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस विल हैव द सिमिलर शेप, साइज एंड वॉल्यूम। The second point, which is not true for the real gases, ये ideal gas के लिए assumption है, एक container है जिसमें कुछ gas molecules हैं। In individual gas molecules का जो volume है, that is negligible with respect to the volume of vessel। हम उसे ignore कर देते हैं, consider करते हैं कि पूरा ही volume available है, free है for their movement, yeah? But second point is not valid for real gases। चाहो तो इसके आगे bracket में लिखो, Not valid for real gases. दो पॉइंट इसमें से जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, या एक तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे विल नॉट सेटल डाउन, कभी भी सेटल नहीं होंगे। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे कैन ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और यही रीजन है उसमें प्रेशर होने का, वो कोलिजन में जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसी के कारण प्रेशर आता है। फोर्थ पॉइंट, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर कोलिजन अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो उनमें आपस में जो कोलिजन हो रहा है, वॉल से जो कोलिजन हो रहा है, उसी के कारण प्रेशर आ रहा है। कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। The word elastic means there is no loss of momentum and energy. तुमने इस वेसल को आज छोड़ा, 10 साल बाद भी आके देखोगे, उतना ही मोमेंटम रहेगा, उतना ही प्रेशर रहेगा। यदि वो कोलिजन में, जैसे हमने एक बॉल को मैंने नीचे जमीन पे फेंका, वो कभी भी उस हाइट तक नहीं आएगी, इस हाइट तक आई, फिर और हाइट कम, और एक टाइम पे वो जीरो हाइट पे हो जाएगी, मतलब उसका मोमेंटम लूज हो रहा है। बट मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा मोमेंटम लूज नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करते रहेंगे यदि टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है। इसके बाद फिर जस्ट मिनट, देन द नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आर नेग्लिजिबल। इन फैक्ट फॉर एन आइडियल गैस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं किया है। But the sixth point is again not valid for real gases. Second point and sixth point, ये दोनों point real gases के लिए valid नहीं है, ये सिर्फ ideal gases के लिए valid है। Yeah? बाकी बचे हुए सारे points दोनों के लिए valid होते हैं। तो चाहो तो bracket में लिख लेना sixth point के, not valid for real gases. Seventh, next point, Newton's law of motions are applicable. हम use करेंगे, पता लगेगा तुम्हें आगे।
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल. सी फॉर अ स्मॉल रेंज वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. फॉर द लार्जर रेंज वी नीड टू कंसिडर इट. पूरा एटमोस्फेरिक एयर अर्थ से इसलिए अटैच है क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है. बट यदि हम बात करें हमारे रूम में, फ्लैट से ही हमारा रूम है, इस रूम में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यदि होता तो एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन होता गैस मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में. मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है ऊपर वाले वॉल और नीचे वाले वॉल पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती बजाय साइड वॉल. क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, एंजिन चल रहा है, बट द प्रेशर ऑन टॉप एंड द साइड एंड द बॉटम वॉल विल बी सेम. सारे वॉल पर प्रेशर सेम होता है. इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड फॉर अ स्मॉल रेंज. ये लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट में. एंड द लास्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन. तो जितने भी गैसेस हैं उनका काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है. चाहे तुम H2 ले लो जिसका मास बहुत कम है, या तुम नाइट्रोजन ले लो जिसका मास बहुत ज्यादा है, सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है. इफ टेम्परेचर इज सेम सबका काइनेटिक एनर्जी सेम. इज दैट ओके? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? सर यस. इसका पेज नंबर बोलिए ना, मॉड्यूल में पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 12 थ्योरी में दे रखा था. पेज नंबर 12 सर, इसका लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट करो. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है. तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखो ऐसा कुछ है. मैं जब इसको प्रूफ करूंगा बोलूंगा भी कि हमने लिखा था और इसका ये प्रूफ है. नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे हम इसे. राइट? ओके सर. होमवर्क बताया था, देन आई विल टेक द अटेंडेंस. इतना ही इनफ है आज के लिए. क्या एक्सरसाइज 3 में से पहले कुछ होमवर्क दिया है कभी भी? नहीं सर. एक्सरसाइज 2 में? नो सर. सेक्शन डी तक है फ्रॉम एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी. बोर्ड पे ही लिखता हूं मैं. एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 to question number 10 part 2 up to question number 8. और next week यदि DPP class होगा तो उसमें discussion होगा doubt class में. सब ऐसे चैप्टर का वेटिंग है एडवांस एग्जामिनेशन में. क्या चैप्टर का वेटेज क्या है एडवांस एग्जामिनेशन में? क्या बोल रहे हो सर? इस चैप्टर एडवांस एग्जामिनेशन में पता है यदि मैं आईआईटी की बात करूं, इवन मेंस हो चाहे एडवांस हो, मतलब यदि उन्होंने सिलेबस में लिखा है कि ये सिलेबस में है, तो मैं तुम्हें एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज है. ऑलमोस्ट हर चैप्टर से ये मान के चलो कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है. इट मे बी पॉसिबल कि छोटे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाए और एक बड़े चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आए. इट मे बी पॉसिबल बड़े चैप्टर से 3 आ जाए, छोटे से एक आए. मतलब इतना रैंडमनेस होता है जेईई मेंस एडवांस में कि आप प्रिडिक्ट तो कुछ नहीं कर सकते. मैं तुम्हें कभी ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज वाला है. मैं ये जरूर बोलूंगा ये चैप्टर यूजफुल है दूसरे चैप्टर को समझने में, या ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, टफ है, इतना जरूर बोल सकता. बट वेटेज वाइज तो एक्चुअली पिछले 35 साल में कभी फिक्स ही नहीं हुआ है कि इसका इतना वेटेज इसका इतना था. इस बार मेंस में जो लास्ट मेंस हुआ था उसमें आयोनिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं था, सबसे बड़ा चैप्टर है. लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे. सरफेस केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आ गए जो 2 लेक्चर का चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर है. तो थोड़ा सा रेंडम है. मैं किसी भी चैप्टर का मैं क्या कोई भी कमिट नहीं कर सकता है कि इसका इतना वेटेज. क्वेश्चन आना डेफिनेट है,
या तो मेन से एडवांस या दोनों में, और दोनों में दो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों में हो सकता है चार क्वेश्चन की जगह दोनों मिला के एक क्वेश्चन आए, तो कुछ बोला नहीं जा सकता ना इस बारे में तो। और वो ऐसा जान करके करते हैं ताकि प्रेडिक्टेबल ना हो कि यही पेपर इस टाइप से इसी चैप्टर को पढ़ के बच्चे एग्जाम दे दें। चलो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, सेकंड जन आहाना, अभिराज, अजिंक्य, प्रेजेंट, अभिराज इज नॉट देयर टुडे, प्रेजेंट सर, अंकित, अंश, अश्विन, प्रेजेंट सर, अथर कुवर, अथर इज अब्सेंट टुडे, दर्शना, देवेंद्र, देवेश, प्रेजेंट सर, ओनली देवेश इज हियर, दर्शना इज अब्सेंट, देवेंद्र इज ऑल्सो अब्सेंट, हर्षिता, हर्षवर्धन, हितेश, प्रेजेंट सर, ऋषिकेश, ईशान, लक्ष्मी, मनीष, प्रेजेंट सर, पीयूष शिंदे, पीयूष चंदवानी, प्रेजेंट सर, प्रणव, प्रशांत, प्रेम, प्रीति, रितेश, प्रेजेंट सर, ऋषभ, ऋषभ इज नॉट देयर टुडे, साक्षी, समर्थ, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, समृद्धि, सर्वेश, समित, प्रेजेंट सर, सुमन, रोहित, वेदांत जाधव, वेदांत जाधव इज नॉट देयर, वेदांत शिंदे, प्रेजेंट सर, विनीत, यज्ञेश, यश, प्रेजेंट सर, ठीक है। किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा था, पीयूष शनवानी तुम प्रेजेंट हो लग गया है, क्या लिखा था हर्षवर्धन ने, सर कोलिजन के लिए एनर्जी चाहिए एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनफाइनाइट मास तो नहीं होता है एटम का, देन हाउ दे कोलाइड इनफाइनाइट टाइम, नहीं हर्षवर्धन तुम जो बोल रहे हो थोड़ा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है, मैं आता हूँ उस पर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आता हूँ, तो वेट फॉर दैट, क्लियर हर्षवर्धन, यस सर,